मैं ये डोसा इडली बैटर बनाने जा रही हूँ। डोसा इडली बैटर बनाने के लिए मैंने इस ग्लास से 3.5 ग्लास राइस लिया है, 1.5 ग्लास उड़द की दाल, और एक ग्लास से थोड़ा कम क्या कहते हैं साबूदाना, और थोड़ी सी मेथी। इसे मैं वॉश करके और भिगा कर रख दूँगी 6-7 घंटों के लिए, और उसके बाद इसका पेस्ट बनाऊँगी। आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ये 7-8 घंटे हो चुके हैं, अब मैं इसे पीसूंगी। और मैं अलग से हम पानी नहीं डालेंगे, ये जो पानी जो हम ये फूलने के लिए दिए ना, इसी के हेल्प से हम इसे पीस के गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, जैसा डोसा इडली का पेस्ट होता है। बाहर का पानी नहीं डालेंगे, हम यही पानी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने पीस लिया है और इसे हाथ, तो दोस्तों देख सकते हैं ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, अराउंड 9:10 9 o'clock, ये मेरा बैटर पूरी तरह से फर्मेंट हो सकता है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा फर्मेंट हो गया है, ये देखिए, देख रहे हैं। तो अब ये रेडी है इडली डोसा बनाने के लिए। इडली बनाएंगे तो हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी ऐड करके और नमक ऐड करके बनाना होगा, और अगर डोसा बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो आप इडली सेम कंसिस्टेंसी से भी बना सकते हैं, अच्छी बनेगी। और अगर आपने ज़्यादा बैटर एक साथ बना लिया है तो इसको आप थोड़े थोड़े पार्ट में ही नमक डालें, एक साथ पूरे बैटर में नमक ना डालें, जितनी बनानी हो उसमें डाल के बाकी का फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं आराम से, 4-5 दिनों के लिए तो आराम से कर सकते हैं। Thank you for watching. Do subscribe my channel. Thank you. दोस्तों ये है चटनी बनाने की रेसिपी। इसमें मैंने चम्मच तेल डाला है, जो चम्मच साइड में आपको दिख रहा है, और इसे हम थोड़ी देर के लिए गर्म कर लेंगे। अब इसमें जो डालने हैं वो इन्ग्रेडियंट है, मैंने इसमें एक छोटा राई का एक छोटे में राई डाली है। इन्ग्रेडियंट है चना दाल, पीनट, लहसुन, और ये है मिर्च और करी पत्ता और नमक। अब हम सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ ही डाल देंगे कढ़ाई में, पहले हमने राई डाला था, और उसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट को डाल देंगे। अब ये मेरा लहसुन और मिर्च थोड़ा सा पक गया है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब ये मेरा पीनट और चने का दाल मैंने इसमें डाल दिया है, और बहुत देर नहीं भूनना है, बस इतना भूनना है कि चने की दाल से हल्की भुनी हुई खुशबू आ जाए और हमारा पीनट हल्का भुन जाए, ज़्यादा नहीं भूनना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, और फ्लेम को हमेशा लो ही रखेंगे सो दैट वो जले ना, हमारा लो बिल्कुल भी लो रखेंगे। और अब हम इसमें करी पत्ता, सिंस मैं सूखा यूज़ कर रही हूँ इसलिए लास्ट में डालूँगी, अगर आप कच्चा यूज़ कर रहे हो मतलब ताज़ा यूज़ कर रहे हो तो शुरुआत में ही डालेंगे, तेल में डालेंगे सो दैट वो अच्छे से पक जाए। मेरा सूखा है इसलिए मैं हमेशा करी पत्ता लास्ट में डालती हूँ, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसे हम 1-2 मिनट भून लेंगे फिर से।
और फिर इसे फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा ठंडा हो चुका है और ग्राइंडर में मैंने इसे डाल दिया है। और इसमें जो करी पत्ता मैंने भुना था उसको थोड़ा सा निकाल के रख लिया है और थोड़ा रहने दिया है ताकि ये बाद में मैं क्रश करके डाल सकूँ। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट बन गया है। और ये करी पत्ता वाला जिसमें मैंने भुना था ना, वही कढ़ाई में वापस से डाल दूँगी सो दैट उसके जो तेल में खुशबू है वो आ जाए। अब मैं यहाँ पर नमक डाल दिया मैंने स्वादानुसार, और जो पानी डाला मैंने जो ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड किया था वो इसकी टेस्ट पूरा आ जाए इसलिए, और जितना पानी आप मतलब जितना पतला रखना चाह सकते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें और नमक भी उस हिसाब से ऐड करें। नमक बहुत ध्यान से ऐड करें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है नमक, थोड़ा ही डालें, चेक करके फिर डालें क्योंकि ज़्यादा नमक होने से पूरे चटनी का टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। तो पहले नमक बाकी चीज़ों में हम जितना डालते हैं उससे थोड़ा कम ही पड़ता है इसमें। और ये हमारी चटनी तैयार है और आप इसे